कुछ और चीज़ें लर्न करेंगे हम जेनेटिक्स के बारे में। तो हमने इससे पहले भी कुछ पी वाई क्यूज के बारे में डिस्कस किया था, कुछ पी वाई क्यूज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अ साइंटिस्ट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज बिटवीन द फॉलोइंग जीन। ही क्वायर्स द फॉलोइंग डेटा, पी इज इक्वल पी क्यू के बीच में 3% है, आर क्यू के बीच में 2% है, आर एस के बीच में 13% है, एन पी एस के बीच में 8% है। वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सो आंसर पे जाने से पहले, दे हैव टोल्ड अस पी क्यू के बीच में, पी एन क्यू के बीच में 3% है। इसके बाद जो है अगर आप देख रहे थे, क्यू आर में 2%, आर एस में 30%, क्यू आर में जो है वो 2% है, आर एस में 13% है एंड पी एस में 8% है। पी एस में जो है वो 8% का केस पाया जा रहा है। सो एज यू नो दैट कि ये जो है रिकॉम्बिनेशन है, एंड वी नो दैट कि जितना रिकॉम्बिनेशन होता है उतना ही जीन के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट में किया जाता है। सो अगर मैं पर्टिकुलरली एक जीन सेगमेंट की बात करूँ, तो इसमें सबसे जो दूर वाले जीन सेगमेंट पाए जाएंगे उसमें पाया जाएगा आपका पी आर एन एस। आर और एस जो होंगे सबसे दूर है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 13%। 13% रिकॉम्बिनेशन का मतलब इन जीन के बीच में जो मैप यूनिट होगा वो 13 मैप यूनिट होगा। सो दैट्स वाई आर एन एस के बीच में जो यूनिट पाया जाएगा ये आपका 13 मैप यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। अब और आर एस के बीच के बाद आर से सबसे क्लोजर जो है वो है क्यू। आर और क्यू के बीच में जो है वो 2% यानी 2 मैप यूनिट के बीच का डिस्टेंस है क्यू। अब इसके बाद आता है कि क्यू और पी और पी और एस देखेंगे, तो देखिएगा पी और एस और क्यू और पी में पी जो है क्यू के ज़्यादा क्लोजर है, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्यू से पी के बीच में जो है वो है 3% एंड इसके बाद जो है पी और एस के बीच में जो है वो 8% है। तो अगर आप खुद देख पा रहे होगे तो 8, 3, 11, 2, 13 टोटल परसेंट इस तरीके से कंडीशन जो है वो बन रहा है। तो द फॉलोइंग ऑर्डर, ये ऑर्डर जो हो सकता है वो आपके इस फॉर्म में हो सकता है, आइदर दे आर आर क्यू पी एस या एस पी क्यू आर, इस तरीके का कंडीशन बनेगा। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा, दैट इज द फर्स्ट वन। तो आर क्यू पी एस जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, कहीं पे मेंशन नहीं है, उल्टा ऑर्डर दिया है एस पी क्यू आर। देखिए ये वाला ऑर्डर जो दिया है एस पी क्यू आर, क्योंकि ये कंडीशन आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये जीन सेगमेंट इधर ऐसे पाया जाए, इसको उल्टा भी करेंगे तो बात एक ही है कि इधर हमने एस रख दिया और इधर हमने आर रख दिया, तो एस से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है और उसके बाद पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से जाएगा। तो सेम ये 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और टोटल जो है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कैंडिडेट, आइदर आर क्यू पी एस और पी क्यू एस पी क्यू आर, दोनों सीक्वेंस दोनों में से कोई एक दिया रहेगा वो सही हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर है वो आना चाहिए थर्ड वन, ठीक है ना। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन दिस प्रॉब्लम दे आर आस्किंग अबाउट द इन क्रॉस बिटवीन टू ब्लैक लैब्राडोर, कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि टू ब्लैक रिट्रीवर्स के ऊपर बात कर रहे थे। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज 9 ब्लैक 3 चॉकलेट एंड 4 येलो। अगर 9:3:4 की बात करते हैं, सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, दिस इज अ जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना। जीन इंटरेक्शन में ही ये कॉम्बिनेशन बनता है, खासकर रिसेसिव एपिस्टेसिस में। एक होता है सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जब हम बात करते हैं, सप्लीमेंट्री में रेशियो 9:3:4 आता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 होता है, और इसको हम डुप्लीकेट रिसेसिव के भी नाम से जानते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शन। ये कंडीशन आपको यहाँ पे अपियर होता है। सो 9:3:4 का अगर रेशियो मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जीन इंटरेक्शन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? जीन इंटरेक्शन की बात की जा रही है जनाब। सो यहाँ पे पार्शियल रिसेसिवनेस, ये बोल रहा है कि पार्शियल रिसेसिवनेस होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एपिस्टेसिस है। यस, इट इज जीन इंटरेक्शन एंड इट इज द एपिस्टेसिस। ये जो है
एपिस्टेसिस का ही केस है, तो आंसर शुड बी फोर्थ ईयर। ठीक है ना, आसानी से जो है क्वेश्चन जो आपका बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट, वॉट वुल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द प्लांट दिस जीनोटाइप फ्रॉम द ट्राई हाइब्रिड। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका जो आंसर आएगा 4 out of 14 आएगा, 64 आएगा। कैसे आएगा बताया जा चुका है, प्रीवियसली ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था। द डीएनए सीक्वेंस इन द बॉक्स अंडरगो, एक क्वेश्चन एक यहाँ पे आया कि डीएनए सीक्वेंस अंडरगो द इन्वर्जन। ठीक है ना, एक बॉक्स जो है वो इन्वर्जन के लिए जा रहा है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्ट कर देना। व्हाट इज द फाइनल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना, तो देखिएगा कि फाइनल डीएनए सीक्वेंस क्या होगा। ये आपका सीक्वेंस है जिसमें ये है जी जी टी ए टी सी, ये सीक्वेंस पाया जा रहा है जी जी टी ए टी सी है, और ये आपका है जी ए टी टी ए सी सी है। ये कंडीशन है, इन्वर्जन किया जा रहा है, मतलब रिवर्स करते रहे इस सेगमेंट को। इन्वर्जन आई मीन टू से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। कई सारे लोग जो होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। आंसर की चर्चा करने से पहले हम एक टर्म की बात करते हैं, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जनाब, जैसे ए बी सी ये सेगमेंट है किसी भी जीनों में, तो इसको इस डायरेक्शन में है, इसको उल्टा कर दीजिए, दैट इज सी बी ए। तो आपने ये उल्टा कर दिया ऐसे, तो ये आपने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्जन का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेशन। क्या होता है 180 डिग्री रोटेशन। तो अगर आपके पास सीक्वेंस पे आ जा रहा है जी जी टी ए टी सी, अगर ये सीक्वेंस है जी जी टी ए टी सी, ये सीक्वेंस कैसा है, ये नॉर्मल है, तो इसको इन्वर्ट कर दोगे तो ये सीक्वेंस एक्चुअली में आपको ऐसे मिलेगा। इन्वर्ट करने के बाद सी टी ए टी जी जी ये मिलने वाला है इन्वर्टेड। ठीक है ना, तो इसमें अगर एक्चुअल सीक्वेंस देखोगे तो वो ऐसे आया हुआ। तो दिस इज द केस, ये जो कंडीशन आपके पास अपीयर होने वाला, तो ये है आपका नॉर्मल और इन्वर्टेड फॉर्म में ये चलेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे तो जी ए टी ए सी सी ये आएगा। तो आप देखिए सी टी ए टी जी जी ढूंढिए जब ये सीक्वेंस कहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है ना, आपको इसको इन्वर्ट करना है तो ये सीक्वेंस आपको चाहिए सी टी ए टी जी जी। देखिए सी टी ए टी जी जी नहीं है, सी टी ए टी जी जी अरे वाह इसमें हो गया, सी टी ए टी जी जी किसी में नहीं है, ये यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका सी टी ए टी जी जी और उसके नीचे जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आंसर जो आने वाला है वो सेकंड आ जाएगा, क्योंकि उसी में ये चीज आपके पास अपीयर होती हुई पाई जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द इन्वर्जन सीक्वेंस। सो आंसर विल बी द टू। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेरेंटल हु अपीयर नॉर्मल, ये कोई क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि अ पेरेंट हु अपीयर नॉर्मल हैव चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल दिखने के बाद भी उनके पास जो चाइल्ड आ रहा है वो सिकल सेल एनीमिया वाला कंडीशन आ रहा है कि द पेरेंट्स आर नॉर्मल बट द चाइल्ड विद द सिकल सेल एनीमिया विथ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की जो बात चर्चा है वो यहाँ पे कर रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे पाया जा रहा है। द वुमेन बिकम प्रेगनेंट अगेन एंड इज टोल्ड दैट सी इज कैरिंग फ्रेटर्नल ट्विंस, वो जो है फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो कैरी कर रही है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ट्विंस विल डेवलप द सिकल सेल एनीमिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके कहते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो एनीमिया को कैरी करेंगे। ठीक है ना, दोनों ध्यान दीजिएगा, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ट्विंस विल कैरी। ठीक है ना, सो नाउ अब इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि आंसर के ऊपर चलने से पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज नोन एज फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल ट्विन का मतलब होता है डाइजाइगोटिक, इसका मतलब होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब डाइजाइगोटिक ट्विंस के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को ही फ्रेटर्नल ट्विंस के ऊपर बात करते हैं सेपरेट एक से। अब इनमें क्या पूछा है कि दोनों के दोनों ट्विंस सिकल सेल एनीमिया को कैरी करें, नॉर्मल की बात ही नहीं हो रही है। तो अगर एक हेट्रोजाइगस नॉर्मल और नॉर्मल इनको क्रॉस करेंगे तो आपके पास जो फिनोट इनसे जो जीनोटाइप मिलने वाला है क्रॉस से, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए, ये होता है वन, ये होता है टू, ये होता है वन, ये आपका नॉर्मल होता है नॉट सिकल सेल एनीमिक,
इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, और ये जो एनीमिक कंडीशन होता है ये आपका पाया जाता है 1/4, ठीक है ना, ये एनीमिक कंडीशन है। तो इन्होंने बोला कि आपके पास दो डाइजाइगोटिक ट्विन्स है, मतलब दोनों के दोनों एनीमिक हो, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी एनीमिक हो, ए भी एनीमिक हो, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट मीन्स इट इज 1/16। तो 1/16 विल बी द प्रोबेबिलिटी, जो कि आंसर 1 आएगा। तो आंसर जो है 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर बोथ एनीमिक कंडीशन में पाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। दे हैव द फॉलोइंग पेडिग्री, इनके पास जो है फॉलोइंग पेडिग्री शोस दैट इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज, जो ह्यूमन डिजीज के इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ द इनहेरिटेंस फॉर द ट्रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन ऑफ द थर्ड वन विल बी अफेक्टेड, सन ऑफ द थर्ड, ठीक है ना, थर्ड वन विल बी अफेक्टेड बाय द डिजीज इफ द थर्ड वन इज टू बी कैरियर, या इसका जो बेटा है वो डिजीज से अफेक्टेड हो। ये पेडिग्री शो कर रही है एक ह्यूमन डिजीज के लिए, एंड व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट इज द केस। इसमें आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि अगर मेल टू मेल जा रहा है तो सेक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो चलिए पेडिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं। पेडिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले आंसर पे जाने के लिए, मैं पेडिग्री देखिए यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ की गई है, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, सो दैट कि आप आसानी से समझ पाए। ये जो है आपका मेल पेरेंट इस तरीके से लिंक्ड है, इसके बाद तीन प्रोजनी आपको अपियर हो रही है, एक मेल और उसके बाद दो फीमेल, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट में है फीमेल यहाँ से है, और यहाँ पे आपका मेल है जो मिल रहा है, और एक मेल यहाँ पे बन रहा है। ये सारी चीजें जो है आपके पास पाई जा रही थी, ये इनसे मेट कर रहे थे, ठीक है ना, और ये इनसे मेट कर रहे थे, इनसे जो बना है वो ये बना है, और इनसे बना है ये, और इनसे जो बने हैं ये तीनों के तीनों बने हुए हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन जो कि यहाँ पे पाया जा रहा था। तो ये आपके पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सेकेंड वन है ये कैरियर है, इसके बाद जो है थर्ड वन वन ये जो अफेक्टेड फॉर्म में है, ठीक है, ये भी अफेक्टेड फॉर्म में है, इसके अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये आपका कैरियर है। ध्यान दीजिए कि पहली चीज यहाँ पे अगर मेल टू मेल हो रहा है, मेल टू मेल अगर ट्रांजिशन होता है तो कांट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कांट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता जिस मेल से टू मेल में, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन तो वैसे ही है। इसके अलावा कंफर्म करने के लिए यहाँ पे केस लगता है, मैंने आपको पेडिग्री में दो कंडीशन बताए थे, एक था ऑडी और एक था उरी, मतलब अगर देखोगे तो अनअफेक्टेड पेरेंट, ये जो क्या है, ये अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स दिस इज अ उरी, अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड चाइल्ड, दैट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस आ जाएगा, यहाँ से ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है एक ही बचा, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव नॉट डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव बनेगा, ये आपका कंडीशन अपीयर होगा। जब ऑटोसोमल रिसेसिव अपीयर हो गया तो आपका वैसे ही एक ऑप्शन है, उससे चूज कर लीजिए और आंसर चूज कर लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए इससे और इससे ये कैरियर है और ये कंडीशन पाई जा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जाएगी, तो द प्रोबेबिलिटी इज लाइक, ये देखिए ये कैरियर होगा तो इसको बोलेंगे कैपिटल स्मॉल ए, अफेक्टेड है तो स्मॉल ए स्मॉल ए, इनसे जो, बिकॉज अगर कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल ए स्मॉल ए बनने, हेटेरो और होमो से स्मॉल ए स्मॉल ए बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/2, ठीक है ना, इससे जो बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए से क्रॉस करोगे तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो कैपिटल ए की 1/2 या स्मॉल ए स्मॉल ए की 1/2, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो आंसर जो आ जाएगा वो आपका सेकेंड वन, ठीक है। तो इस तरीके से इस पेडिग्री के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते थे जना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट,
क्वेश्चन जो आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम समझे तो दे आर टॉकिंग अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक ट्रेट है. अ कलर ब्लाइंड मैन हैज अ 45 एंड एक्स डॉटर, ठीक है ना, 45 एक्स डॉटर हु हैज आल्सो कलर ब्लाइंड. एक कलर ब्लाइंड मैन है जिसके पास 45 और एक्स है एंड डॉटर हु हैज आल्सो कलर ब्लाइंड. द नॉन डिसजंक्शन लीड्स टू 45 एक्स डॉटर, ठीक है ना, 45 एक्स डॉटर अकर्ड इन विच पेरेंट एंड इन विच मियोटिक के पीछे. चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स जो है एक्स लिंक ट्रेट था. अ कलर ब्लाइंड मैन हैज अ 45 एक्स डॉटर हु इज आल्सो कलर ब्लाइंड एंड द नॉन डिसजंक्शन दैट लीड्स 45 एक्स डॉटर. इस कंडीशन को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि नॉन डिसजंक्शन जो होते हैं वो मियोसिस वन में हो सकते हैं या मियोसिस टू में हो सकते हैं. अगर ये मियोसिस वन में होता है तो आपको एन प्लस वन और एन माइनस वन मिलता है. ये कंडीशन आपको पाया जाता है. और इन द केस ऑफ मियोटिक नॉन डिसजंक्शन टू इसमें भी आपका एन माइनस वन एक जगह पे पाया जाता है. तो अगर ये बोला जा रहा है कि एक कलर ब्लाइंड मैन है हैज 45 एक्स हैज अ 45 एक्स डॉटर हु इज आल्सो कलर ब्लाइंड द नॉन डिसजंक्शन दैट लीड्स टू 45 एक्स डॉटर अकर्ड इन विच पेरेंट एंड इन विच मियोटिक फीचर. तो क्या हो रहा होगा कि ये जो अपीयर हो रहा होगा दैट इज बिकॉज ये एक्स लिंक ट्रेट है तो क्रिस क्रॉस पैटर्न पे जा रहा होगा. क्रिस क्रॉस पैटर्न पे जा रहा होगा इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके फादर से जा रहा होगा और फादर से अगर फर्स्ट मायोटिक डिवीजन बनता तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम बात कर रहे होते इन द केस ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन तो उसमें आपको एन प्लस वन वाले कैटेगरी भी मिलती है और एन माइनस वन वाला भी मिलता. यानी नॉर्मल कुछ आपको वहाँ पे अपीयर ही नहीं होता. और इस कंडीशन में जो है आपको सारे नॉर्मल तरीके से और दो तरीके से आपको डिजीज के फॉर्म में पाए जा रहे होते. तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे एक्चुअली ये कंडीशन जो होता है वो अपीयर होता है फादर के डिवीजन की वजह से. तो ये जो होता है फादर जब होता है फादर जब डिवाइड कर रहा होगा तो समझिएगा एक बार फिर से कि अगर मैं बोलूं इसमें क्या है कि आपके पास 45 46 होगा, ठीक है ना. अब 46 के केसेस में आप 45 एक्स एक्स के ऊपर जब बात करें तो एन माइनस वन का कंडीशन बन रहा है. जनरली क्या कंडीशन होता है कि 45 एक्स और वाई अगर ये होता है तो ये मेल हो जाएगा और अगर 45 एक्स और गैप हो जाता है तो ये फीमेल हो जाता है. यानी कि ये कंडीशन नहीं आया तो ये तो आ रहा है. अब ये चीज आ रहा है तो ये मोस्टली फीमेल से आता है और मेल से जो कंडीशन है वो आपका आ नहीं रहा. तो फादर से कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जो है वो आपको अपीयर होता हुआ नजर आएगा कि ये जो है आपके फादर से नहीं आ रहा है. मोस्टली जो चांसेस बनते हैं कि फादर से नहीं आएगा और ये डिवीजन जो होता है ज्यादातर मियोटिक सेकेंड में होता है, ठीक है ना, मियोटिक सेकेंड में. क्योंकि मियोटिक सेकेंड में बाकी चीजें तो नॉर्मल रहेंगी और कलर ब्लाइंड से कलर ब्लाइंड पे जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये 45 एक्स वाला कंडीशन जो है एक्स वाई है और एक्स लिंक के पैटर्न में इस तरीके से चल रहा है वो कलर ब्लाइंड है ऑलरेडी. और ये जो है 45 एक्स यहाँ पे आके तब ये गैप हो रहा होगा क्योंकि अगर ये चीज समझिएगा कि ये फादर होगा और फादर से ही डॉटर में आ रहा होगा क्योंकि डॉटर से ये चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना. ये जो डिलीशन हो रहा है वो आपका आ नहीं रहा है तो फादर से ही ये वाला एक्स आया होगा. तो फादर से जब एक्स आया होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो इनहेरिटेंस हो रहा होगा यहाँ पे वो इनहेरिटेंस आपका फर्स्ट कहते हैं फादर से आ रहा होगा मतलब जो विच पेरेंट में हुआ है. और यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन जो हुआ है कि भैया ये अपीयर तो हो रहा था फीमेल से लेकिन एक जगह पे दोनों के दोनों चले गए और एक पे माइनस हो गया है. तो ये कंडीशन जो है आपका मियोटिक नॉन डिसजंक्शन टू में आएगा. ये कंडीशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जस्ट फादर की वजह से जो है आपको दोनों मान लीजिए फादर पे होगा एक एक्स नॉट एक वाई एक तरफ एक्स नॉट होगा और फीमेल के केस में ये चीज अपीयर हो जाएगा और इधर गायब हो जाएगा. तो ये आपको इसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल में ये जो आना चाहिए था एक्स और एक्स ये एक्स भी इधर चला जाएगा तो इसके पास एक्स नॉट बचेगा और इसके पास जो है एक्स एक्स वाई जो कंडीशन आपको अपीयर हो जाएगा. तो दैट इज बेसिकली मियोटिक डिसजंक्शन टू में जो है वो आने वाला. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ. इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ आपको अपीयर हो जाएगा. नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है कि एज्यूम दैट एम वन प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीन एक्स अ डिजायरेबल एलील
एंड वाइल द मार्कर एम टू प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर अवे द अदर साइड ऑफ जीन द डोनर जीनोटाइप इज M1 M1 XX M2 M2 while the recipient is M1 M1 XX m2 m2 है ये है. A cross was made between these two individuals. F1 is cross to recipient and the progeny of this cross had the 1,000 plants. How many plants from this progeny will have the both markers? कितने के पास ये दोनों markers होंगे? Because assume that there is a no interference. तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर से पहले क्या होगा. तो दे आर आस्किंग बट आंसर जाने से पहले एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि ये जनरली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव द जीन, आपके पास एक डिजायरेबल जीन है यहाँ पे एक्स, और ये जो है आपके पास एम वन है और ये जो है एम टू है, ये आपका डोनर है. एक्स और एम वन के बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमॉर्गन का है और इसके बीच में जो गैप है वो 10 सेंटीमॉर्गन का है. मतलब इनके बीच में 5% रिकॉम्बिनेशन होगा और इनके बीच में 10%. सिमिलरली डोनर के बाद जो रेसिपियंट है, रेसिपियंट में यहाँ पे M1 है, ये है X और ये है आपका M2, ठीक है ना. डिस्टेंस वही रहेगा. अब ये बोला जा रहा है कि इनसे कुछ इस तरीके से क्रॉस करवाइए कि आपको जो मिले उसमें जो है ये वाला कंडीशन मिले, M1 मिले, M2 मिले, कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2 मिले, लेकिन बीच में जो है स्मॉल x मिलना चाहिए. डिजायरेबल एलील एब्सेंट है. यहाँ पे क्या है, डिजायरेबल जो एलील है वो एब्सेंट है, कैपिटल x नहीं है, क्योंकि कैपिटल x इज योर डिजायरेबल एलील, वो स्मॉल x का फॉर्म जो है वो एब्सेंट के फॉर्म में. तो आपने कभी भी देखा होगा कि अगर पेरेंटल से बी रिमेम्बर लाइक अगर याद हो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, इसमें अगर इस जीन से इस दूसरा था स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C, इस पर्टिकुलर जीन में एक ही ऐसा कंडीशन था जिसको बोलते थे डबल क्रॉसओवर, जिसमें कि बगल वाले जो थे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं लेकिन मिडिल वाला जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब स्मॉल भी ऊपर चला जाएगा और कैपिटल भी नीचे. कहीं ना कहीं डबल क्रॉसओवर अगर इनके बीच में हो, जब डबल क्रॉसओवर होगा तभी आपका मिडिल चेंज होगा. जब यहाँ पे डबल क्रॉसओवर होगा तो मिडिल जीन जो है सिर्फ चेंज हो जाएगा, मिडिल जीन ओनली जो होगा वही चेंज होगा. तो जब चेंज होगा तो ये आपको कैपिटल M1 कैपिटल M2 के बीच में स्मॉल x मिलने वाला. तो यहाँ पे क्या होगा कि 5% ये हो जाएगा और 10% जो है आपको ये मिलने वाला. तो डबल क्रॉसओवर के केस में दैट इज लाइक 5 × 5 / 100 × 10 / 100 ये कंडीशन मिलेगा और टोटल है 1000. टोटल जो है आपको 1000 जो है जीन यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, टोटल प्रोजेनी 1000 plants है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 1010 यहाँ से कैंसिल, तो आपको टोटल 5 जो है वो मिलने वाला है प्लांट जिनके पास जो है ये कंडीशन अपीयर होगा कि M1 और M2 के बीच में X आएगा. डबल क्रॉसओवर का केस यहाँ पे पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन में जो आपको अपीयर हो जाएगा, यानी बी सेकंड इज द राइट आंसर. जो आपको राइट आंसर मिलने वाला है वो है सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एज्यूम दैट जीन ए इज डोमिनेंट. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज्यूम दैट कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, कैपिटल बी वन इज को डोमिनेंट ओवर बी टू, क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए बी वन बी टू एंड स्मॉल ए बी वन बी टू. एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो जीन इंटरेक्शन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट इन फिनोटिपिक रेशियो. प्रोजेनी जो सेग्रीगेट करेगा किस फिनोटिपिक रेशियो में करने वाला है. तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलेंगे तो देखिएगा आपको इंडिविजुअल लेके चलेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. एक्सप्लेनेशन से पहले हम देखिए हमारे पास है कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना, देखेंगे तो वी हैव लाइक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कंडीशन है कैपिटल ए कैपिटल ए. इसके बाद है बी वन बी टू, क्रॉस किया जा रहा है स्मॉल ए स्मॉल ए बी वन बी टू के साथ. इस क्रॉस पे देखिएगा कि ये आपको दिया गया assuming that there is a no gene interaction, तो segregate कैसे करेगा phenotypic ratio के form में. तो इस particular phenotypic ratio के form में जो अब अगर आप देखोगे तो इसकी probability तो अगर
कैपिटल ए, कैपिटल ए को देखो तो इसमें तो कैपिटल स्मॉल ही आने वाला, आपका कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, यही बनने वाला, और कुछ बनने वाला नहीं है। इसमें जब हम बात करते हैं तो इन दिस फॉर्म यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है कि बी वन बी वन बने, हो सकता है कि बी टू बने, एंड हो सकता है कि बी वन बी टू बने, यानी कि वन इज टू टू इज टू वन का कंडीशन बनेगा। तो ये कंडीशन ही आपका जो होगा वो स्पेसिफिक कंडीशन होगा, क्योंकि ये तो वन इज टू वन टेस्ट क्रॉस जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपके पास पाया जा रहा है जिसमें कि ये आपका वन इज टू वन में, इसमें भी अगर नॉर्मली बात करें तो एक आपको कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा कैपिटल बी वन के साथ, एक आपको कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा कैपिटल बी वन कैपिटल बी टू के साथ, और एक आपको कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा कैपिटल बी टू के साथ। तो आपको तीन तरीके की प्रोजेनी मिलेगी। इसको अगर देखोगे तो ये वन है और ये भी वन है, तो दिस इज वन इंटू वन दैट इज वन। यहाँ पे देखोगे ये वन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों एक ही मिल रहा है तो ये तो वन की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसकी वन इज टू टू है तो ये वन इंटू टू दैट इज टू, और यहाँ पे देखोगे वन इंटू वन दैट इज वन। तो आंसर जो आज आने वाला है वन इज टू टू इज टू वन के रेशियो में आपको आंसर मिलेगा, दैट इज द थर्ड वन। जो थर्ड वन है वो सही आंसर है इस पर्टिकुलर केस का, ठीक है जनाब। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है, अ डिजीज हैज अ प्रेवलेंस ऑफ वन इन थाउजेंड जनरल पॉपुलेशन, 1000 जनरल पॉपुलेशन में अ डायग्नोस्टिक किट फॉर द डिजीज है 10% फॉल्स पॉजिटिव एंड द नो फॉल्स नेगेटिव, नो फॉल्स नेगेटिव इन जनरल पॉपुलेशन इफ अ पर्सन, एक डिजीज है जो कि हजार लोगों में से एक में जो है पाया जाता है, एक डायग्नोस्टिक किट है जो कि अगर 100 लोगों को पॉजिटिव दिखाती तो उसमें से एक्चुअली 90% ही पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव में कोई भी फॉल्स नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव बोल रहा है तो वो 100% नेगेटिव, ठीक है ना। एंड इन द जनरल पॉपुलेशन इफ द पर्सन टेस्टेड विद द किट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट हैव द डिजीज इज अप्रोक्सीमेटली, उसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज अप्रोक्सीमेटली नहीं, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इन जनरल पॉपुलेशन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आंसर पे चलने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या होता है कि टेस्ट किट है, टेस्ट किट में जो है अगर आपके पास हो सकता है कि पॉजिटिव हो, ठीक है ना, आपका पॉजिटिव हो या हो टेस्ट में आपका नेगेटिव आया हो, ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव था वो एक्चुअली पॉजिटिव है कि नहीं है, वो 90% होगा, ठीक है ना। एक्चुअली जो पॉजिटिव है, जैसे कि ट्रू पॉजिटिव जिसको बोलेंगे, पॉजिटिव आया और उसमें भी ट्रू पॉजिटिव के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपको जो टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव निकला ये आपका रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट में जो ट्रू पॉजिटिव है वो 90% ट्रू पॉजिटिव है, और इसमें जो फॉल्स आएगा कि मतलब एक्चुअली नेगेटिव, वो 10% नेगेटिव आएगा, ठीक है। 10% जो होगा वो आपका फॉल्स पॉजिटिव होंगे, मतलब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये एक्चुअली नेगेटिव है, ठीक है ना, ये एक्चुअली नेगेटिव है। इसके बाद जो होगा कि नेगेटिव में जो है ये 100% जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको अपीयर होने वाली है। तो ये पूछ रहा है कि इफ अ जनरल पर्सन टेस्टेड विद द किट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही doesn't have a disease approximately, अगर उसके पास पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद जो है वो आपको डिजीज नहीं हो, ठीक है ना। तो दैट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद वो क्या पॉसिबिलिटी कि उसके पास डिजीज ना हो, दैट इज 10%, क्योंकि ये एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिजल्ट के बाद नेगेटिव होने की चांसेस है, एंड अप्रोक्सीमेटली ये जो आपको मिलेगा वो आपको 9% यानी ए के आसपास मिलेगा, 10% या 9%, तो आंसर विल बी ए, ए जो है आपको आने वाले यहाँ पे। बाकी चीज़ें जो हैं, अब यहाँ पे दैट इज द केस कि ये कंडीशन जो है आपको अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट देयर आर थ्री जीन्स, ये जो थ्री जीन्स हैं दैट इज ए बी सी दैट फंक्शनली रिलेटेड, there is a point mutation in the gene A due to which gene B is not expressed,
resulting is non-functional of GMC product. What is the possible relationship between these three genes? तो इसमें तीन possible relations क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है. That A is an enzyme, B and C are a substrate for A, and A is a transcription factor for B, and B is needed for C to be functional. B is the transcription factor for C and A is enzyme that requires A and B as a substrate. So ये जो है अगर आप देखोगे इस चीज को जरा सा ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या कहना चाह रहा है कि दैट म्यूटेशन इन जीन ए में म्यूटेशन हुआ तो बी जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा है और बी एक्सप्रेस नहीं होगा तो सी फंक्शनल नहीं हो रहा है. तो कहने का मतलब है ए शुड बी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ बी, क्योंकि बी के एक्सप्रेशन की बात की जा रही है कि मान लीजिए जीन बी यहाँ पे है और जीन बी में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके पास पाया जा रहा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होगा. अगर इसमें कहीं पे इसको ब्लॉक कर दिया गया तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, ये बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ से कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा और कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि सी के लिए बी चाहिए होगा आपको फंक्शनल के लिए. तो ये कंडीशन जो आपके पास पाया जा रहा है इसीलिए आंसर जो है वो सेकेंड आने वाला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.